हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हरप्रीत सिंह। और दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि क्यों हमें वेजिटेरियन डाइट को अपनाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन डाइट को छोड़कर, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट को कंज्यूम करने के बाद वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मेरे दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख सकते हो या ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ जो कि मेरी वीडियोस को बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों थंबनेल में मैंने आज लिखा हुआ है कि आर वी रियली ईटिंग किड्स, क्या हम बच्चों को खा रहे हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी एनिमल्स आज की डेट में हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो हम एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उनको हम जो कंज्यूम करते हैं वो अभी भी अपने बचपन की स्टेज में ही हैं, वो कभी अपनी अडल्ट स्टेज में आए ही नहीं। हमने उनको पहले ही खा लिया या पहले ही कंज्यूम कर लिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब हम कभी भी ऐसा कोई एनिमल, फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन की एग्ज़ाम्पल हम लें, तो जब हम उन्हें मार्केट से खरीद कर ला के लाते हैं तो वो पूरी अडल्ट की फॉर्म में होते हैं, तो ये ऐसे इतने बड़े क्यों हो जाते हैं और ये फिर भी अभी बचपन की स्टेज में कैसे हैं? तो इसका जवाब है लालच। जी हाँ, ये वही लालच की बात कर रहा हूँ जो किसी भी इंसान को उकसाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। अगर एक नॉर्मल चिकन की हम एज की बात करें, जो वो अडल्ट होता है जिसके बाद यूजुअली कोई भी इंसान उसे कंज्यूम करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी एज होती है 3 months के आसपास। बट ये लालच इंसान को इतना बेरहम बना रहा है कि वी आर गिविंग देम हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स उन्हें हम दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स की हैवी डोजेस दे रहे हैं, जिनकी वजह से वो 1 महीने से 1.25 महीने के अंदर अंदर पूरे बड़े हो जाते हैं, ग्रो अप हो जाते हैं। लेकिन ये अभी भी अपने बचपन की स्टेज में ही होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप कभी किसी नॉन वेजिटेरियन की शॉप पे जाते हैं, मीट शॉप पे जाते हैं, तो जब भी वो चिकन को एक केज से, एक पिंजरे से निकाल कर बाहर लाते हैं उसको काटने के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स कितना होता है और कैसा होता है, आप कंपेयर करिए किसी ऐसे चिकन को जो कि किसी गांव में पला है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम साइज के हैं, तो आप अगर दोनों को पकड़ के देखो तो आपको दोनों के जो स्ट्रगल होंगे उसमें आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। आप अगर विलेज के चिकन की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, इतना करेगा कि शायद वो आपके हाथ में आए ही ना। लेकिन अगर हम ये पोल्ट्री फार्म में पले एक ब्रॉयलर की बात करें तो वो बड़े ईजिली उस इंसान के हाथ में आ जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता भी नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अपनी बचपन की स्टेज में है, उसे अपने बुरे और अच्छे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो ये दोस्तों ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये लोग इन्हें ग्रोथ हॉर्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की हैवी डोजेस दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो को डिस्कस करने का मेन रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रिज़ल्ट यही है कि ये जो ग्रोथ हॉर्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की हैवी डोजेज इनको दी जा रही हैं एनिमल्स को, ये अल्टीमेटली ह्यूमन बींग के अंदर आने वाली है आफ्टर कंज्यूमिंग डैम। वैसे तो रिकमेंडेशन यही है, मेरा भी सजेशन यही है कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट को छोड़िए, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो ये इंसान अपने लालच की वजह से इन एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का सही तरीका यही है कि उनको वक्त से पहले बड़ा कर दिया जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते आपको ये बताता हूँ कि इन ग्रोथ हॉर्मोन्स का क्या नुकसान है ह्यूमन बॉडी पे, कि जितने ज़्यादा ये ग्रोथ हॉर्मोन्स जो एनिमल बॉडी से निकल कर ह्यूमन्स में आएंगे, ये सबसे ज़्यादा डेंजर डिजीज़ जैसे कि कैंसर, इसमें कोलोन कैंसर आ जाता है, इनमें इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के जितने भी कैंसर रिलेटेड हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ये एंटीबायोटिक्स देखिए, ह्यूमंस को भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, इन एंटीबायोटिक्स में है एम्पिसिलिन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफिरोक्साइम, क्लोरमफेनिकोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह वगैरह, बहुत सारे ढेरों एंटीबायोटिक्स हैं जो इन चिकन्स को दिए जाते हैं, और यही सेम एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस को भी दिए जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शंस।
अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब ये एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स को दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स जो होंगे एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट बैक्टीरिया करना शुरू कर देंगे इनके अगेंस्ट। बट जब हम ह्यूमंस इन एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे तो जो बैक्टीरिया उन बर्ड्स के अंदर होंगे वो ह्यूमंस के अंदर भी आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बन चुके हैं। वो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट बन चुके होंगे कि वो बैक्टीरिया से सुपर बैक्टीरिया बन गए होंगे, जिसकी वजह से अब दोबारा उन पे कोई एंटीबायोटिक जल्दी से असर नहीं करेगी, जिसकी वजह से ह्यूमंस में बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएंगी और उनको ट्रीट करना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हैं वो रीजंस जिसकी वजह से हर कोई स्कॉलर, हर एक समझदार इंसान आपको यही रिकमेंड करेगा कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट का पीछा छोड़ दीजिए। मैंने बीते दिनों एक वीडियो देखा जो कि मेरे भाई रियल आइज चैनल पे अपलोड करते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो था उनका, जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो कोरोना वायरस है वो एक मैन मेड वायरस है जो कि चाइना की ही करतूत है। मैं हर किसी के रिसर्च की कदर करता हूँ, उसकी की हुई मेहनत को मैं दाद देता हूँ। मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ये एक मैन मेड वायरस है, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ज़्यादा ये है कि ये एक मैन मेड कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोगों ने और कुछ कंट्रीज़ ने मिलके इसको इतना बड़ा हॉक्स बना दिया है कि अब उनका प्लान ये है कि जितने भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को नीचे गिराया जाए ताकि वो वर्ल्ड पावर बन सकें। लेकिन आपका क्वेश्चन यही होगा कि फिर इतनी सारी डेथ्स क्यों हो रही हैं? सबसे ज़्यादा डेथ्स कहाँ पे हुई? अमेरिका में। तो इसका जवाब भी मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में इतनी सारी डेथ्स क्यों हुई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या ऊपर आई बटन क्लिक करके ये भी रीज़न जान सकते हो। और दोस्तों, आज का वीडियो मेरा आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।